मुझे लगता है कि आप लोग सुप्ता संज्ञान शब्द समाचारों में या फिर सोशल मीडिया पर सुनते रहते होंगे। और अगर आपको याद हो तो कोरोना महामारी के टाइम भी इस शब्द को आप लोगों ने जरूर सुना होगा, क्योंकि उस समय भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्ता संज्ञान लिया था। और अभी चर्चा में क्यों है, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, और आप लोग यहाँ मैप में देख भी सकते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, और इसमें आप देखेंगे तो ये आपको लखनऊ देखने को मिलेगा, यहाँ आपको लखीमपुर खीरी देखने को मिलेगा। यहाँ एक घटना हुई, एक मामला हुआ जिसमें आपने देखा है किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के विरोध में आपने देखा होगा कि नेताओं का विरोध किया जा रहा है, तो इसी में कुछ किसान यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो कुछ गाड़ियां आती हैं और उन्हें कुचल देती हैं, और इसमें आपने देखा होगा कुछ किसानों की डेथ भी हो जाती है, यानी कि कुछ किसानों की मौत भी हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि काफी बवाल भी हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया हुआ है। अब आप लोग कहेंगे स्वतः संज्ञान शब्द क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए कभी भी आप देखते हैं कि इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें एक प्रतिवादी होता है, एक वादी होता है, और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी ना किसी रूम में आप देखते हैं मामले जाते हैं। लेकिन कभी कोई इस तरह की घटना घटती है जिस पर आप देखिए कोई ध्यान ना दे रहा हो, या आप देखिए कि वहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट वहां भी स्वतः संज्ञान ले सकता है। हमारे न्यायालय वहां स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, स्वयं से उस मामले की जांच करवा सकते हैं और उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसे ही आप लोग एक तरह से कह देते हैं स्वतः संज्ञान। देखिए इसका एक तरह से आप कहेंगे, इसे आप लोग सो मोटो, एक लेटिन वाक्यांश है, इसी से निकला हुआ है आपका स्वतः संज्ञान। और इसे आप लोग, इसका अर्थ होता है कि स्वयं कुछ करना, कोई इस मामले में कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ कोई याचिका लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, तब भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने आप से भी इस तरह की घटनाओं को ले सकता है जांच में। और आपको बता दूं कि जो जनहित में इस तरह के मामले होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देता है सुप्रीम कोर्ट। और आप देखेंगे आज सुनते भी हैं आप लोग कि इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट अगर ध्यान रखता भी है तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग लोकतंत्र की हुंकार भरते हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा है कई इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि जिससे हमारे लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। एक तो आप देखिए लखीमपुर खीरी की घटना, इससे पहले आप देखिए 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, और आप देखिए अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो इतना लंबा किसान आंदोलन चलना या फिर इस तरह की घटनाएं घटना अच्छी बात नहीं है। और दुनिया में, भारत की छोड़िए, दुनिया में हमारी कीर्ति भी हो रही है, कई देशों में आप देखिए इस घटना को लेकर सांसद में, वहां की संसद में भी चर्चा होने लगी है, आप समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा कि रिपोर्ट भी मांगी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार से, तो इसका मतलब है कि न्यायालय ने कोई मामला स्वयं अपने संज्ञान से और किसी भी वादी के बिना विचारात लिया है। और वादी ऐसा व्यक्ति या संस्था होती है जो न्यायालय में कोई मुकदमा या याचिका दायर करता है। न्यायालय के सामान्य मामलों में एक वादी और प्रतिवादी की जरूरत होती है, जबकि स्वप्रेरित संज्ञान में कोई भी व्यक्ति या संस्था वादी नहीं होते। मान लीजिए कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनमें छेड़छाड़ करता है, तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, तो हम एक तरह से वादी हो गए। या फिर आप देखिए दूसरा सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। सामान्य केस में, सामान्य मामले में इस तरह की घटना देखे जाते हैं, वादी प्रतिवादी, लेकिन इस तरह के मामले में अगर स्वतः संज्ञान लेता है सुप्रीम तो इसमें नहीं देखने को आपको मिलेगा। और वह ऐसा तब करती है जब उनको मीडिया या किसी तीसरे पक्ष से सूचना प्राप्त होती है कि जनता के अधिकारों का हनन हुआ है, और भारतीय संविधान अपने अनुच्छेद 32 के तहत लोगों को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे मामलों में देश के उच्च अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर आपके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, आपके आसपास रहने वाले लोगों का हनन हो रहा है अधिकारों का,
तब भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और आप भी आर्टिकल 32 के तहत जनहित याचिका लगा सकते हैं। जनहित याचिका कहने का मतलब है कि ये जन के हित में है, समझ रहे हैं। और इस तरह की अदालतों को एक तरह का विशेष अधिकार मिल जाता है और भी अपने विवेक से किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। और यहाँ स्वतः संज्ञान भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता को दर्शाता है। और सुप्रीम कोर्ट लेता है संज्ञान, आप सभी जानते हैं, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट ही देखते हैं आप लोग। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेता है। निश्चित तौर पर पिछले कुछ दशक से भारतीय न्यायपालिका ने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। वरना आप सोचिए, सरकारें तो एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाने लगती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो आप देखिए कि लोकतंत्र की किस तरह से धज्जियां उड़ सकती हैं। लॉकडाउन के टाइम भी आपने देखा है, कोरोना महामारी में भी आपने देखा है, हमारे न्यायालयों ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो आपके, इन्होंने राज्य सरकारें हो या आप देखिए आपकी केंद्र सरकार हो, इन्हें समय समय पर फटकार लगाई हुई है, समझ रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी लोकतंत्र को बचाने में हमारे न्यायालयों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जानकार ये भी कहते हैं कि स्वतः संज्ञान लेने की व्यवस्था के पीछे तर्क यह है कि देश के हर एक नागरिक को न्याय मिले, भले ही वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के खर्चे को वहन करने में सक्षम हो या नहीं हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं न्यायिक प्रक्रिया देखिए बहुत जटिल है हमारे देश की और बहुत महंगी भी है। तो आप देखिए इससे कोई वंचित ना रहे, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास इस तरह की शक्ति रखता है, समझ रहे हैं। वैसे संविधान का आप लोग आर्टिकल 14 पढ़ते होंगे, उसमें सभी के लिए समान कानून की बात की गई है। लेकिन आप देखते हैं कि VIP लोगों के लिए अलग तरह की प्रक्रिया हो जाती है, वो इससे बच निकलते हैं क्योंकि उनके पास पैसा रहता है। तो इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्णय ले सके, आप समझ रहे हैं। तो ये हाल है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्योंकि किसी ने अभी पूछा हुआ है मुझसे कि मैंने पूछा हुआ था, आपने देखा होगा फेसबुक पर लिखा हुआ था पेज पर कि आर्टिकल 14 में सभी को समान कानून की बात की गई है, और लखीमपुर घटना में क्या आपको लगता है कि समान कानून दिखाई दे रहा है सब पर लागू होते हुए। तो किसी ने कहा है कि विशेष अधिकार मिले हुए हैं सांसदों को, विधायकों को, तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग कि किन मामलों में मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दें और फिर भी आपको संरक्षण मिल जाए, वहां तो आपकी गिरफ्तारी होगी, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत शीर्ष अदालतें किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेती हैं। अभी तक के इतिहास में भारतीय न्यायपालिका में तमाम मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है और उसमें ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए हैं। आमतौर पर यह मामले जनहित के होते हैं, यानी कि हमारे हितों के होते हैं। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि समाज में अगर कोई गलत हो रहा है तो उस पर स्वतः संज्ञान लेकर अदालतें उसे ठीक करें, क्या करें, ठीक करें। और आप देखेंगे इसमें 1990 के दशक में दिल्ली में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, और इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली में डीजल से चलने वाली बसों की जगह CNG को अपनाया गया था। तो आप समझ रहे हैं आज की बात नहीं, 1990 में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया हुआ था। और यहाँ एक और बात बता देता हूँ, देखिए आपका हाईकोर्ट भी कर सकता है ये काम, क्या कर सकता है, हाईकोर्ट भी कर सकता है। इसमें दोहराई नहीं होनी चाहिए कि हाईकोर्ट के पास इस तरह की शक्ति नहीं है, क्या है, इस तरह की शक्ति नहीं है। आर्टिकल 226 आप लोगों ने पढ़ा है, अनुच्छेद 226 की बात कर रहा हूँ। ये आप सुनते होंगे कि कुछ याचिका रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति की बात की गई है, या उच्च न्यायालय की यानी कि हाईकोर्ट की बात की गई है, ठीक है। और इसी तरह आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया था। उसने देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बंद कराने में केंद्र सरकार को वैश्विक टेक कंपनियों से बातचीत कर समाधान निकालने का आदेश भी दिया था। और एक आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान पहले लॉकडाउन के वक्त प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अब बात आती है कि आप लोगों को उससे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। एक तो आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा जाए तो वहां आप लोग इन तीन उदाहरण को जरूर आप लोग बता देना, ठीक है। क्या होगा कि उसे मालूम, जो भी एग्जामिनर रहेगा चेक करने वाला कॉपी, उसे मालूम होगा कि अच्छा इसे बैकग्राउंड भी मालूम है क्योंकि इसने उदाहरण के साथ बताया हुआ है।
तो इस तरह के छोटे छोटे शब्द रहते हैं, वो बड़े क्लियर रहते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी याद रखा करिएगा। और मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द तो हर भारतीय को मालूम होना चाहिए, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, समझ रहे हैं। चलिए हम लोग, एक और टॉपिक बचता है विशेषाधिकार का, संसदीय विशेषाधिकार का, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है।